नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए थे TGT सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने के वजह से मैं कंटिन्यू आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, जिसके वजह से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आने वाले समय में स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दूंगा। तो आइए आज इतिहास विषय के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के ही नहीं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो आपसे अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य को पूछा जाए या कपास के प्राचीनतम साक्ष्य को पूछा जाए या मानव के अस्थाई बस्ती से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो वह मेहरगढ़ होगा। और दूसरा प्रश्न जैसा कि आपके सामने है, किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को, जैसा कि आप जो थारोली वीडियो में बनाया हूँ उसमें आप देखे हैं कि मानव जो था पूरा पाषाण काल में वह आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। और तीसरा प्रश्न है, कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? तो मध्य पाषाण काल में। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मानव द्वारा पहला पालतू बनाया गया पशु कौन था? तो वह कुत्ता था। और किस काल में बनाया गया पूछता है, तो मध्य पाषाण काल में। और चौथा प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को अंग्रेजी में चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो इसे आप यहाँ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कोल्डियामा इलाहाबाद के निकट से प्राप्त हुए हैं। इस समय यदि देखा जाए आधुनिक समय में नए शोधों के आधार पर संत कबीर नगर जिले में लहुरा देवर नामक स्थान से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर उसमें कहीं लहुरा देवर हो तो आप उसे करेंगे, नहीं तो कोल्डियामा को। प्रश्न संख्या 6 है, नव पाषाण काल में मानव था उत्पादक एवं उपभोक्ता है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो जो पेबुल उपकरण है वह निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। चित्रकला के साक्ष्य, जो भीमबेटका स्थान है वहाँ से मानव के रहने के चित्रित गुफा प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऐसा गुफा प्राप्त हुआ है जहाँ पर चित्रकला के साक्ष्य हैं। प्रश्न संख्या 10 है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? चिरांद। चिरांद भारत के बिहार प्रांत में स्थित है, जहाँ से नवपाषाण कालीन बहुत से औजार मिले हैं जो मुख्यतः हिरण के सिंघों के बने हुए हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली जो है वह मध्य प्रदेश में है। और नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो नौदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। प्रारंभिक स्तंभ गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह साक्ष्य सराय नाहर तथा महदहा से प्राप्त हुए हैं। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक का अर्थ है सूक्ष्म औजार, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15 है, मानव को आग का ज्ञान किस काल में हो गया था? तो पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? जो मानव द्वारा प्रथम फसल उगाई गई थी वह जौ था। कहीं कहीं इसका नाम यौ भी मिलेगा, तो आप इसे जौ या यौ दोनों में किसी को एक दिया होगा, आप ट्रिक कर सकते हैं। और यह जो फसल उगाई गई थी वह 8000 ईसा पूर्व के प्रारंभ में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ था? मानव ने आग का खोज तो पूरा पाषाण में कर लिया था,
लेकिन उसका व्यवहारिक प्रयोग जो किया वह नवपाषाण काल में किया। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो सोहन घाटी का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से है। और 19 प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारक या मेगालीथ थे? जो बृहत पाषाण स्मारक या मेगालीथ थे वे मृतकों को दफनाने के स्थान थे। प्रश्न संख्या 20 है, ताम्बवती नाम से किस संस्कृत को जाना जाता है? तो ताम्बवती नाम से जिस संस्कृत को जाना जाता है उसे आहार संस्कृत कहा जाता है। आहार संस्कृत को ताम्बवती नाम से जाना जाता है। ताम्र संचय संबंधित है। ताम्र संचय गैर वर्णीय मृदुभाण्ड से संबंधित है। ताम्र पाषाण कालीन इमाम गांव बस्ती किस संस्कृत से संबंधित है? तो ताम्र पाषाण कालीन इनाम गांव बस्ती जो है वह जोरवे संस्कृत से संबंधित है। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। मानव ने कुंभकारी किस काल से प्रारंभ की? तो मानव ने कुंभकारी नवपाषाण काल से प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 24 है, राख के टीले किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? संगन कुल्लू तथा पिकलीहल से। मेहरगढ़ से किन किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा संस्कृत तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रुसफुटे को। गुफकराल नामक नौपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? तो गुफकराल नामक जो नौपाषाणिक स्थल है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्रश्न संख्या 28 है, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह शिकार एवं आखेट था। किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? ताम्र पाषाणिक काल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ताम्र पाषाणिक काल। ताम्र मीन्स तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि जब मानव ने पत्थर के साथ तांबे को मिलाया तो उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहा गया। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो मिट्टी के बर्तन का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में मनुष्य ने पत्थर और औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? जैसा कि ऊपर ही प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक काल। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थीं? तो ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां कांसा धातु की आभूषण पहनती थीं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।